आजादी के पहले कैसे बनी भारत की सरकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या कमाल, दुनिया के देशों ने दी पहली सरकार को मान्यता, आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 126वीं जयंती के मौके पर नमन कर रहा है। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा 2021 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान को पूरा देश नहीं भूल सकता है। पूर्ण स्वराज का सपना नेताजी ने ही देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने के लिए नेताजी ने कई आंदोलन किए। कई बार नेताजी जेल भी गए, लेकिन अपने साहस और पराक्रम के दम पर नेताजी ने अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया। नेताजी ने अंग्रेजों को चैन की नींद नहीं सोने दिया था। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन आजादी से पहले ही कर दिया था। हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उसके करीब 4 साल पहले ही देश की पहली सरकार का गठन नेताजी ने सिंगापुर में कर दिया था। वो खास दिन था 21 अक्टूबर 1943 का, जो हर देशवासी के लिए खास और ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों में दर्ज तथ्यों के अनुसार उस वक्त देश में अंग्रेजों का शासन था, जब 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने यह कमाल कर दिखाया। इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तभी उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर डाली। इसका मकसद था अंग्रेजों को ये संदेश देना कि भारत में उनकी सरकार का कोई मतलब नहीं है और ये देश अपनी सरकार चलाने में सक्षम है। आजाद हिंद सरकार बनने से देश में नए जोश का संचार हुआ, क्योंकि यह अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, जिसके बाद इस सरकार की स्थापना हुई। जापान ने सबसे पहले आजाद हिंद सरकार को 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता दी। इसके साथ ही जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद सरकार को दे दिए, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसका नया नामकरण किया। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान और निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया। आजाद हिंद फौज को 9 देशों की मान्यता प्राप्त थी, जिसमें जर्मनी, जापान और फिलीपींस जैसे देश शुमार थे। कई देशों में इस सरकार के दूतावास थे। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग एससी चटर्जी को, प्रचार विभाग एसए अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था। आजाद हिंद सरकार ने तिरंगे को ही अपना राष्ट्रध्वज बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया था। अभिवादन के लिए जय हिंद का इस्तेमाल होना शुरू किया गया था। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा फहराया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने कई योजनाएं हर क्षेत्र से जुड़ी बनाई थी। अपना बैंक, अपनी मुद्रा, अपना डाक टिकट, अपना खुफिया विभाग, सब इस सिस्टम में मौजूद था। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के के साथ 1 लाख रुपए के नोट तक जारी किए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी हुई थी। जापान और जर्मनी की मदद से ये नोट छापे जाते थे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन यानी लक्ष्मी सहगल को सौंपी गई। तो इस तरह से देश में आजादी से पहले सरकार का गठन हुआ। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।